एक बहुत ही पावरफुल फीलिंग है, जिसमें कि हम 45 सिंबल्स को आपको सिखाएंगे। यहाँ पर हमारी 45 सिंबल्स की हीलिंग हम आपको यहाँ पे कराएंगे। इस हीलिंग के माध्यम से आप अपने हर प्रकार की जो भी कोई बीमारी है उसको आप ठीक कर सकते हैं। बॉडी के अंदर जितना भी जहर है किसी भी रूप में, है ना, टॉक्सिन्स के रूप में या गुस्से के रूप में, नफरत के रूप में, व्हाटएवर, कुछ भी, उस सब को आप इस हीलिंग मोडालिटी के थ्रू बाहर निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम समय के अंदर। नॉर्मली हम लोग हीलिंग करते हैं तो उसमें हमारे को बहुत समय लगता है। हम जैसे आप जो लोग यहाँ पे रेकी सीखे हुए हैं उनको मालूम है कि जब आप लोग हीलिंग्स रेकी हीलिंग्स करते हैं आपको बहुत समय लगता है। जो लोग यहाँ पे एंजल हीलिंग को भी सीखी हुई है, एंजल हीलिंग में हमें समय नहीं लगता लेकिन हमारे को एक लंबा प्रोसीजर होता है, ठीक है, तो उसको हमें फॉलो करना पड़ता है। जैसे कि 51 डेज, 31 डेज, वो पूरा हमें फॉलो करना पड़ता है और उसके लिए भी हमें बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन मैग्निफाइड हीलिंग बहुत ही इजी है। जब हम हीलिंग जब हम ये सीखते हैं, जब हम इस पे प्रैक्टिस करते हैं, तो जैसे जैसे हमारी प्रैक्टिस इनहेंस होती है, हमारी पावर इनहेंस होती है, तो हमारे हाथों से एक बहुत ही यूनिवर्सल कॉस्मिक जो ऊर्जा होती है, वो बहुत हाई लेवल पे जो ऊर्जा होती है, अभी भी मैं आपसे बातें भी कर रही हूँ ना तभी मेरे हाथों से एनर्जी आ रही है। तो वो जो एनर्जी होती है ना वो हमें बहुत इजिली, बहुत ही जल्दी हमारे को उसका रिजल्ट मिलता है। यहाँ पे हम कुछ मदर क्वाइनिंग के मंत्रों का जाप करते हैं, प्लस सिंबल्स के ऊपर काम करते हैं और उनको सिद्ध करते हैं। प्रैक्टिस के माध्यम से हम हर एक एक सिंबल को सिद्ध करते हैं। अटूनमेंट प्रोसेस इज नेसेसरी बिकॉज जितने भी कॉस्मिक एनर्जीज होती हैं वो बिना शक्ति पात के काम नहीं करती, इसलिए अटूनमेंट इज अ नेसेसरी थिंग। ये जैसे मैंने आपको बोला कि इनको पार्वती जी का भी नाम दिया गया है, पार्वती माँ का नाम दिया गया है, तो इसलिए हम इसको एक फेमिनिन एनर्जी भी बोलते हैं, ठीक है। अब जो डिफरेंस है कि और मोडालिटीज के अंदर और मैग्निफाइंग अंदर क्या डिफरेंस है, तो वो डिफरेंस बस इतना ही है कि इसकी पावर बहुत ज्यादा हाई होती है। जब आप इसके साथ मेडिटेट करते हैं, हर एक एक सिंबल को मेडिटेट करते हैं, सिंबल की एज सच कोई जरूरत भी नहीं होती है अगर आपकी पावर्स बढ़ जाती हैं, लेकिन हमें अपनी पावर्स को बढ़ाने के लिए हम सिंबल्स के साथ अटूनमेंट करते हैं ताकि सिंबल्स की अपनी पावर हमको मिले। और जब आप उसको रेगुलर प्रैक्टिस जैसे हम करवाते हैं यहाँ पर, हम बोलते हैं 40 डेज आप हर एक एक सिंबल के साथ आप उसको प्रैक्टिस करें, और जो लोग सच में ऑनेस्टी के साथ उस चीज को करते हैं वो उनकी पावर्स को समझ पाते हैं, और जो लोग नहीं करते हैं तो वो तो फिर नहीं समझ पाते हैं, नेचुरल बात है ना। लेकिन अगर आप लोग यहाँ तक आए हैं तो इट मीन्स आप लोग वो सब चीजें करके यहाँ तक पहुंचे हैं, या फिर कुदरत ने आपको चुना है क्योंकि आपने शायद कुछ पास में बहुत अच्छे कर्म किए हुए जिसके कारण आज आप लोग यहाँ बैठे हैं इस एनर्जी के बारे में जानते हैं। क्योंकि हर कोई इस एनर्जी को नहीं समझ सकता, हर कोई इस एनर्जी को नहीं जानता, तो अगर ईश्वर ने आपको वो मौका दिया है और ये जीवन कहते हैं 84 लाख योनियों के बाद हमें मिला है, तो हमें इस जीवन को सफल करना है। ज्ञान के माध्यम से ही जिंदगी इंसान का जो होता है ना उसको मोक्ष मिलता है, तो ज्ञान अपनी जगह पे होता है, वो भी इम्पोर्टेंट है अगर हमें एक स्पिरिचुअल पाथ पे चलना है। और साथ ही साथ हमारी हीलिंग्स, हीलिंग क्या है, वो एक एनर्जी, हमने उस एनर्जीज का अनुभव करना है, एनर्जीज को फील करना है, उन एनर्जीज को अनुभव करना है, उन वाइब्रेशंस को महसूस करना है, और फिर उसको हमें यूनिवर्स में सेंड करना है। क्योंकि अगर हम उन चीजों को महसूस कर रहे हैं, उन चीजों को जान पा रहे हैं, और एज अ ग्रैंड मास्टर, जब हम लोग एक ग्रैंड मास्टर बनते हैं तो हमसे शपथ ली जाती है कि जितने भी जैसे कि कोई भी इस तरीके की आपदाएं आती हैं, जैसे कि अर्थक्वेक आ जाता है, जैसे कि कहीं पर आग लग जाती है, कहीं पे ये तूफान आ जाता, तो एज अ हीलर ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उन सभी चीजों को हील करें, और इस धरती का जो एक कर्ज होता है जो हर किसी को किसी न किसी रूप में देना चाहिए उसको आप दे रहे हैं, यूनिवर्स को वापस
लौटा रहे हैं। और हम जो यूनिवर्स को देते हैं, तो यूनिवर्स को हम हीलिंग के माध्यम से उन एक हेल्प कर रहे हैं, लोगों की हेल्प कर रहे हैं। यहाँ पर हम कोई एनर्जी एक्सचेंज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ हम एक मदर अर्थ को हील कर रहे हैं, है ना। जैसे अभी कोविड था, हमने अर्थ की हीलिंग कर रहे हैं। और जैसे कोई आपदा आ जाती है ना, जैसे तूफान आ गए, बारिश की वजह से ये क्या बोलते हैं इसको, फ्लड आ जाता है ना, तो वहां पर हम प्रकृति को हील कर रहे हैं, नेचर को हील कर रहे हैं, हम नेचर को मदद कर रहे हैं, उसकी हीलिंग्स कर रहे हैं, एक करुणा से हम उसको हील कर रहे हैं। तो वही नेचर हमको देगी, वही हमें वापस मिलेगा।